दोस्तों, आज हम आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। आपके घर में हजारों प्रोडक्ट्स होंगे, पर आप सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं? जाहिर सी बात है, एक टूथपेस्ट। पर अगर हम ये कहें कि इस वीडियो को देखने वाले 60% लोगों के घर में यही टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, ये हम नहीं, ये मार्केट स्टैटिस्टिक्स कहती हैं। 200 साल से रेलेवेंट थी ये कंपनी, और इसकी शुरुआत एक्चुअली टूथपेस्ट से भी नहीं हुई। ये कहानी है कोलगेट की। कहानी शुरू होती है अर्ली 1800s में, जब एक ब्रिटिश इमिग्रेंट टू अमेरिका मिस्टर विलियम कोलगेट सोप बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम घरों में ही सोप्स बन जाया करते थे। पीठ पे साबुन घिसता है क्या? और जिनको सोप्स कमर्शियली बेचने होते थे, वो उनको बैरल्स और क्रेट्स में बेचा करते थे। 1806 में जब विलियम कोलगेट 22 साल के थे, उन्होंने न्यूयॉर्क के 6 डच स्ट्रीट में अपना पहला बिजनेस खोला। विलियम शुरू से ही बहुत आदर्शों के साथ अपना बिजनेस चलाना चाहते थे, और हमेशा यही सोच रखी कि अपने प्रोडक्ट से लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर की जाए। और फिर उन्होंने एक छोटा सा जुगाड़ किया, प्री मेजर्ड सोप्स, यानी सोप्स के जो बड़े ब्लॉक्स थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को उसे दिया और कहा, और फिर उन्होंने इन प्री मेजर्ड सोप्स की होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी, जो कि उस टाइम एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका था मार्केटिंग करने का। और इसके साथ उन्होंने स्टार्च और कैंडल्स भी बेचने शुरू कर दिए। पर 1833 में उन्हें एक हार्ट अटैक आया, जिसके कारण बिजनेस को थोड़े टाइम अनस्टेबल लीडरशिप की वजह से लॉस हुआ। पर विलियम धीरे धीरे रिकवर हुए, और रिकवरी के बाद फिर से डूब रही कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी तक लेके आए। अभी हम जिंदा हैं। और जब अब धीरे धीरे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी, तब हडसन रिवर के पास US के न्यू जर्सी में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। और अब विलियम कोलगेट के बेटे सैमुअल कोलगेट की लीडरशिप में इस कंपनी ने परफ्यूम्स भी बनाना शुरू किया, और अपना पहला परफ्यूम सोप्स भी बनाया, जो कि ग्लोबली बहुत पॉपुलर हुए। I am proud of you, my son. 1857 में विलियम कोलगेट की डेथ हो गई, पर अब उनकी बेटे की लीडरशिप में धीरे धीरे ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो होने लगी। 19वीं सदी के आखिरी के कुछ दशक में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की मांग काफ़ी बढ़ने लगी, और तब कंपनी ने कोलगेट टूथ पाउडर्स और डेंटल क्रीम्स बेचने शुरू किए, जिन्हें पहले जार्स में बेचा जाता था। और फिर 1896 में वो पहली कंपनी बने जिन्होंने इन क्रीम्स को ट्यूब्स में बेचना शुरू किया। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक उनके पास ओरल केयर, लॉन्ड्री सोप्स, परफ्यूम्स और अन्य कई सारी कैटेगरीज में टोटल 800 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा थे। 1906 में इस कंपनी ने अपनी 100th एनिवर्सरी पूरी करी, और 1908 में जो अभी तक एक फैमिली ओन्ड बिजनेस थी, पब्लिक हो गई। अपने आप को और मार्केट करने के लिए और ओरल हाइजीन की तरफ अपना कमिटमेंट और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस में ओरल हाइजीन के ऊपर फ्री ट्रेनिंग भी दी, और साथ में फ्री डेंटल किट्स भी बांटे। यार, आई हेट किड्स, बट व्हाई? और फिर 1910 में उन्होंने जर्सी फैसिलिटी में अपना एक नया ऑफिस खोला, जिसके ऊपर उन्होंने दुनिया का आने वाले 8 दशक तक सबसे बड़ा क्लॉक बनाया, और ये बिल्डिंग अब एक लैंडमार्क बन गई। गोली मारिए घंटा घर को, अब समझा किसे रहे? सारे शहर को अच्छी तरह जानता हूं मैं। और अब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में अपना सेटअप करना शुरू किया। 1914 कनाडा, 1921 साउथ पैसिफिक एशिया, 1922 यूरोप, 1925 लैटिन अमेरिका, और 1929 अफ्रीका। और फिर आया इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। 1928 में कोलगेट ने मर्ज किया पामलिव पीट कंपनी के साथ, जो कि अपने आप में एक मर्जर थी पामलिव कंपनी और पीट ब्रदर्स कंपनी की। उस टाइम पामलिव कंपनी का एक सोप बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो कि पाम और ऑलिव ऑयल से बनता था। और मर्जर की वजह क्या थी? कोलगेट को अब और एक्सपैंड करना था और ग्लोबल जाना था, और रैपिड एक्सपेंशन के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। और दूसरा फायदा ये था कि इससे कंपटीशन भी ख़त्म हो जाता, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपनी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग की, और टेलीविजन का काफ़ी फ़ायदा उठाया। 1953 में इस कंपनी का नाम बदला कोलगेट पामलिव कंपनी में, और 1956 में न्यूयॉर्क के पार्क एवेन्यू में उनकी कंपनी का नया हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हुआ, और 1962 में उनका रिसर्च सेंटर, और 1976 में उन्होंने हिल्स कंपनी को एक्वायर किया, जो कि पेट न्यूट्रिशन कैटेगरी में एक बहुत बड़ी कंपनी थी। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, दे दे कुत्ते। इसके आने वाले कई दशक तक उन्होंने पर्सनल केयर, ओरल हाइजीन, पेट न्यूट्रिशन और होम केयर कैटेगरीज में बहुत सफलता हासिल की।
आज इन कैटेगरीज में कोलगेट के पास ऑलमोस्ट 25 ब्रांड्स के नाम से ढेरों प्रोडक्ट्स हैं। पर कोलगेट की कहानी से हमें क्या सीख मिली? पहला, बिजनेस में अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो और अगर आपको ब्रांड एक्सपैंड करना हो तो मर्जर भी एक ऑप्शन है। हर कंपनी का अपना एक स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस भी, तो दो कंपनीज के मिलने से इसका एक सोल्यूशन भी मिल सकता है। पर हर बार ये सोल्यूशन काम नहीं आता क्योंकि डिस्प्यूट्स भी काफ़ी होते हैं। दूसरा, कोलगेट की कंपनी अपने कस्टमर्स के प्रति काफ़ी केयरिंग है और टीम वर्क के साथ सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं बल्कि सर्विसेज में भी कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट्स करने की सोच रखती है। इससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स से रेस में हमेशा आगे रहेंगे। और तीसरा, उन्होंने इस देश के बच्चों को टारगेट किया जिससे बच्चे अपने घरों में जिद करें कि उन्हें कोलगेट ही चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई भी स्टोरी करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।